सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यार आज बहुत बड़ा दिन है, आज जुम्मे का दिन है। तो जो है अभी जाके आपका भाई नमाज भी पढ़ गया और मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है माशाल्लाह। नमाज पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ अच्छा करें, सिर्फ जो है ना अल्लाह पाक की इबादत से तो नहीं होगा ना यार, उसके साथ साथ कुछ हमें और भी अच्छा कुछ करना होगा। तो अभी आपका भाई जाएगा और नमाज पढ़ आएगा। तो नमाज पढ़ के नमाजी वगैरह बाहर निकल रहे हैं भाई। तो नमाज पढ़ आए हैं भाई, आज हमारी जो बिल्लियों के बच्चे हैं उनकी दीदारी करवाते हैं भाई आपको। तो ये हमने बनाई है बिल्ली की, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक छोटी सी डुकुरी। हमारे बिल्ली के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं भाई, तो हम ऐसा करेंगे ना यहाँ पर तो उनके लिए छोटा सा एक वॉशरूम टाइप यहाँ पर बनाएंगे, ताकि ये देखें ना उन्होंने इसे साफ करना होगा। इस छोटी सी यहाँ से हमने नाली बनाई थी, इसके अंदर उन्होंने पोटी की है। यहाँ पे हम बनाएंगे उनका बिस्मिल्ला। तो भाई ये छोटा सा खड्डा हमने कर लिया, उठाओ भाई इसे, मुझे इसको उठा के लेके चलो। इधर कोने में ठीक है, ये गया क्या, जा रहा साफ कर ले जाओ उसको, रो रही है उधर पोटी की है। रोने वाली कौन सी बात है, चलें चल के यहाँ पे निज़ाम अच्छा बनाते हैं। अभी रेत लेके हम जाते हैं अंदर भाई। हाँ तो ये तैयार है भाई इनका वॉशरूम, अभी उनको लेके आएंगे हम। सो गाइस ये है हमारी लेसी और उसके बच्चे, ओरिजिनल ट्रिपल कोट पर्शियन कैट्स। तो हमने नाम नहीं रखे हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने इन सबको ले लिया है भाई। सबके नाम पे एक एक बिल्ली है। इस वक्त कोई बिल्ली ऐसी नहीं है जो कोई मुझसे मांग सके कि भाई बिल्ली हमें दे दो। तो ये सब देखिए कैसे भाग गया। अभी इनको इनकी मंजिल पे छोड़ आते हैं, इनके लिए भी हमने वॉशरूम बनाया है। नीचे इनका वेस्ट है, उसके लिए बहुत प्यारी जगह बनाई है। ये नरम जगह ये लोग कभी भी ढूंढते हैं, तो हम वहाँ पे हमने फर्श तोड़ा है और नरम जगह इनके लिए बनाई है। तुम लस्सी को पकड़ो, हम इनको नीचे लेके जाते हैं। अभी लस्सी को पकड़, उसको भी पकड़ो। तो ये है हमारी बिल्ली के बच्चे। इधर ही रखो, मैं दिखाता हूँ। हेलो ये जगह बनाई है आपके लिए, अब सुखेंगे। देखो नीचे जगह देसी को भी उधर, ये भी देखिए ना वो जगह। तो भाई बिल्लियों के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई है। अभी आपका भाई जा रहा है, कल मैं एक चार्जर लेके आया था, वो मेरा मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए अभी जाते हैं और कोई नया चार्जर लेके आते हैं। तो अभी आपका भाई जाने वाला है भाई। तो ये इंतखाबी निशान हसन अली जी भी, पर वीडियो बनाने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है भाई। यार ये है ना लाई मार्केट, पता नहीं बंद क्यों है भाई, सारा का सारा मार्केट बंद नजर आ रहा है भाई आज। ये है गिलगित का सबसे बड़ा मार्केट, एनएलआई मार्केट। हमने जाना है इधर अंदर और जिस शॉप में हमने जाना है वो शॉप मुझे खुली नजर आ रही है। मेरे साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी बैठा हुआ है। कहाँ जाना है छोटू तुमने? ये एनएलआई मार्केट ही है बस, इधर आप उधर जाओ, मैं काफी आ गया चुका हूँ ठीक है। तो ये आपके भाई का पपीदार कजन भाई, आप लोगों ने
अगर शॉपिंग करनी हो या कुछ भी लेना हो तो यार आप लोगों ने इन्हीं की शॉप में आना है, काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी, ठीक है ना। जहीन मोबाइल तो ये है जहीर मोबाइल स्टोर। तो यार बाइक चलाते हुए वीडियो बनाने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो ये है भाईजान पोनियाल रोड। तो पोनियाल रोड से हमने नीचे नहीं जाना बल्कि आगे अम्भरी के साइड जाना है। बॉस, क्या आप यहाँ पर मोबाइल रख के बाइक चला सकते हैं? नहीं ना। और ये आपका भाई पहुंच चुका है अम्भरी। अम्भरी में पहुंच चुका है भाई आपका भाई। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।